हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम हर रोज़ 15 नंबर का पेडागोजी बिल्कुल हिंदी तरीका से आपको जो तरीका हम बताएंगे, संस्कृत को हिंदी में कैसे पढ़ना है और 15 में 15 नंबर लाना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए, और आपको पंडित का नहीं बनना है, आपको सीटेट में अच्छा नंबर लाना है, उस पर हम आपको फोकस करवा रहे हैं, जो कि 15 नंबर का पेडागोजी यहीं से आपका पूछेगा। तो चलिए, हम आप बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्या लिखा? उचित विकल्प के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर दे। उचित विकल्प के अनुसार अपना उत्तर दे। प्रथम 136 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षकेन पृष्ठेषु निम्नलिखितेषु प्रश्नेषु क प्रश्न कक्षाया बहुभाषिक वाद से प्रोत्साहन कुर्यति। इसको हिंदी में आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा के लिए बहुभाषिकी के लिए प्रोत्साहित करता है? बहुभाषकीय वत्स्य के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बहुभाषी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, यानी बहुभाषी के लिए क्या होगा? तो आपका एक आंसर देखिए कि आप भवान अक्षराणी निम्नलिखित वान, यानी ये भी नहीं, बहुभाषिक में क्या आएगा, आपके स्वयं के द्वारा कार्य किया गया वह ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वही आप इसमें देखिए, इसमें है नहीं, तो एक आंसर गलत हो गया। वायुफुलित ब्लूम्स, जो ब्लूम्स एक चैप्टर होता है, ब्लूम्स क्रिया धावती डयति शकुनवर्ती, नहीं होगा ये आपका, तो बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी, यानी स्वयं भाषा, बच्चा स्वयं भाषा का अध्ययन करके और जहाँ जाता है उस तरह का वह भाषा सीख लेता है, यानी स्वयं से, यानी बहुभाषी के लिए स्वेता भाषा साकरम नामनी लिखता, यानी आपका डी भी गलत हो जाएगा जब सी सही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 36, निम्न तारकासु अत्यंत अनुप्रसनांसनी कविता नामो प्रयोग क्रियते यत। इसमें आपको देखना है निम्नलिखित कक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली शाली कविता में कौन सा सबसे अधिक उपयोग है। तो अब चलेंगे हम ताभि विद्यान कठिन शब्दान वर्णन कितु तत्सव वाक्यान रचयतु समर्थवान भवंतु। यहाँ कठिन शब्द लिखवाने से बच्चा को कल्याण नहीं होगा। आंसर एक काट दीजिए आप बिल्कुल। अब देखिए, ताभि विद्यार्थिन लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसर प्राप्नुवतु वंती। अब इसको क्या करना है आपको, कि यहाँ अवसर टैग वर्ड है। अगर संस्कृत में जहाँ टैग वर्ड बच्चे को भरपूर सीखने का अवसर मिले, तो बच्चा क्या करेगा, वह बहुत आसान तरीका से सीख जाएगा। तो आपका अत्यंत भाषा कविता के लिए क्या है, उसको अवसर मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं ताभि सी नंबर। ताभि विद्यार्थिन अनुशासित प्रतिष्ठन्ती, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी ताभि लक्ष्य भाषा व्याकरण से नहीं चलेगा आपका काम, यानी राइट आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 137 हो गया, 138 नंबर पे आइए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिए। चलिए अब चलते हैं 138 नंबर आ जाइए। एक शिक्षिका कक्षा के लिए श्रवण संबंधित विधि में निम्नलिखित में से कौन सा चर्चा रूपेण चर्चा के द्वारा गतिविधि में आयोजित करता है? गुड प्रश्न पृष्ठ छात्र नियोजित। त
तथा रुचि चर्चा च वर्त्यति और प्रयतसंति। अब इसमें क्या कह रहा है आपका कि एक शिक्षिका जब कक्षा में अपना पढ़ा रहा है तो उसमें चर्चा के रूप में सबसे अच्छा क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, तो चर्चा के रूप में आपका चर्चा बातचीत हम किसी से करेंगे तो क्या आएगा, सुनना पूर्वक गतिविधि यानी श्रवण पूर्वक गतिविधि। तो आपके चर्चा के दौरान कौन सा आएगा, तो श्रवण संबंधित कह रहा है कि सुनने से संबंधित। और गुड प्रश्न पृष्ठ छात्र के लिए श्रोतु नियोजयति, और जिसमें रुचिपूर्ण हो, तो रुचिपूर्ण इसमें किसमें होगा, श्रवण निरंतरण गतिविधि, गतिविधि करने से नहीं होगा, श्रवण पूर्वक गतिविधि विद्या, यह आपका राइट आंसर होगा, श्रवण समय गतिविधि नहीं, समय का भी नहीं, श्रवण प्रगति नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी राइट आपका बी आंसर हो गया। चलिए 139 नंबर आइए, भाषा कक्षा के लिए चित्रांकन विज्ञापन प्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित नहीं है, नहीं ना निगेटिव पूछा है आपका, यानी इसमें देखिए आप कौन सा नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी मिस ना हो और आप ट्रिक के माध्यम से समझ जाइएगा। तो आपका तेभ्य श्रवण कौशल से विकास अवसर, देखिए इसमें भी अवसर है और दूसरा में भी अवसर दिखने को मिल रहा है और उसके बाद तीसरा में भी अवसर है, तो आपको अब इस तरह कैसे अवसर तो बच्चा को मिलना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है अभी देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है इसको। तेभ्य श्रवण कौशल विकासार्थम अवसर एतेन लभ्यते, यानी आंसर आपका एक ही सही हो गया, क्योंकि यह तेभ्य श्रवण भाषा मतलब सुन के और उसका विकास का अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन चित्र बना के भी देखते हैं। चलिए एतेन चित्रानम अवलोकन, अवलोकन कहला करेगा भैया, चित्र का अवलोकन करने के लिए नहीं पूछ रहा है, विकास के लिए, तो विकास के लिए एक ही अवसर है। उसके बाद यहाँ देखिए बी नहीं होगा तो आपका सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक सही हो गया आंसर, लेकिन ये भी देख लेते हैं, बाल्यभ्य स्वीकार्य अभिव्यक्ति तव चित्रान अवधारणाओं च अवसरम लभ्यते, नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा। चलिए 140 का देखिए, 140 क्या है इसका, एकदम आसान है, उद्गामी शिक्षा साक्षात्कार दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 140 का, जिसमें बच्चा अपना चित्र के रूप से देखे और उसका ज्ञान अर्जन करे, चित्रांकनम, यानी एक आंसर हो गया आपका, बी अक्षरानम निर्माणम नहीं, सब निर्माणम नहीं और वाक्य निर्माणम नहीं भाई, यानी चित्रांकन करके वह बच्चा लिखना शुरू करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उद्गामी मी साक्षार्ते अपिलेखन, यानी जब बच्चा पहले आता है तो चित्र के माध्यम से सीखता है, हो गया ना। 141 नंबर आइए, 141 देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थी भाषा व्यवहार के लिए आकलन निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आकलन के लिए, व्यवहार आकलन के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो बातचीत से आप पहचान सकते हैं उसको, नहीं पहचान सकते हैं, वार्तालाप मतलब बातचीत करना, उसके बाद चीन से नहीं, उसके मूल्यांकन निर्धारण से नहीं, यानी पत्रम धानम पत्र पोर्टफोलियो, बच्चे के व्यवहार क्या चीज़ से हम ना आँक सकते हैं, तो पोर्टफोलियो के द्वारा आँक सकते हैं। चलिए 142 क्वेश्चन नंबर देखिए, 142
142 क्या है? बालस्य भाषा अधिकरण, भाषा अधिकरण इतना ही नहीं पर बालक के लिए भाषा अधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा सर्वत मतलब सबसे अधिक भूमिका निभाता है? बोलिए, सबसे अधिक भूमिका भाषा अधिग्रहण के लिए है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ से सीखता है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाषा प्रसार माध्यम से बच्चा सीखेगा? बोलिए नहीं, भाषा प्रचार माध्यम से नहीं सीखेगा, या नहीं सीखेगा यानी शिक्षक से नहीं सीखेगा भाई, लेकिन वह परिवार से सीखेगा। कहाँ से सीखेगा? परिवार से सीखेगा। बच्चा कहाँ से सीखेगा? तो बच्चा परिवार से सीखेगा। कहाँ से बच्चा सीखेगा? तो सी आपका राइट आंसर हो गया। डी विद्यालय से नहीं, पहले परिवार ही होता है, तो ए भी नहीं होगा आपका, ए नहीं होगा। चलिए अब 143 देखते हैं क्वेश्चन। 143 दिख रहा है ना? अच्छा, कमेंट करिए, अच्छा है ना? अब देखिए, व्याकरणी व्याकरणियम जो व्याकरण का नियम है वो कंठस्थीकरण डैश पदे पदे केंद्रम अस्ति। व्याकरण नियम का भाषा कंठस्थ करने के लिए कौन सा केंद्र बिंदु है आप बताइए? तो व्याकरण से आपको व्याकरण कंठस्थकरण करना या व्याकरण से व्याकरण सीखना, तो आपका सजी को पागम नहीं होगा, संरचनात्मक को पागम नहीं होगा, प्रत्यक्ष इसमें भी नहीं लगेगा, यानी व्याकरण से व्याकरण आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका? डी राइट आंसर हो गया, व्याकरण अनुवाद पद्धति। चलिए हम आपको ट्रिक से बिल्कुल 15 नंबर क्लियर करवा देंगे एकदम। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और स्क्रिप्ट मत करिए और देखिए, उसके बाद आपको उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में जाइएगा और प्रैक्टिस सेट में जो सेट मार के आइएगा उसमें पेडागोजी का जितना नंबर आएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए उसके बाद 144 क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 144 भाषा अधिगमस्य कीते की न महत्वपूर्ण, इसमें से भाषा अधिगम के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? अब महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है? तो प्रोत्साहन यानी पहला है अनुवाद, तो अनुवाद से आप भाषा अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, प्रोत्साहन से भाषा अधिग्रहण कर सकते हैं, आत्मविश्वास भी, अधिगम के प्रति प्रवृत्ति ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं। तो आप क्या पूछा है इसमें? नहीं, यानी भाषा अधिग्रहण के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 नंबर देखिए क्वेश्चन, 145 देखिए। लिखने के लिए बालक का अध्यापन के समय शिक्षण रूपी शिक्षक के लिए कौन सा कार्य अच्छा है? लिखनार्थ के लिए, तो आप देखिए, लिखनार्थ के लिए कृष्ण फलम अक्षरणी उतित अच्छा बलभ्य आश्रम दस्यति, ये भी आपका नहीं होगा, तो इसको भी काटिए। भाषाय वर्णमाला के माध्यम से नहीं होगा, इसको भी काटिए। और स्व विचार से निम्नलिखित में बालक के लिए अवसर, यह बाल केंद्रित शिक्षा है इसलिए बालक पर ज़्यादा जोर देना है प्राथमिक स्तर पर, और स्व विचार करके, यानी यही आपका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 146 नंबर देखिए, 146 नंबर, चलिए इसको बड़ा थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए
छात्रान छात्र के लिए अध्यापन सामग्री यानी TLM लर्निंग मटेरियल चित्र अनुसार निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है? तो यह होगा सामग्री संदर्भ अनुकूल। हाँ एकदम, यह टैग वर्ड जो है यह एकदम पॉजिटिव है, तो आपका राइट आंसर एक ही हो गया। 147 देखते हैं, इसमें आते हैं। एक सौ सैंतालीस आ जाते हैं। देखिए पढ़िए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, द्वितीय कक्षा के लिए छात्र के कौन सा वर्णमाला उच्चारण के लिए कठिन निवारण अधोगम मंतु का मार्ग सर्वत प्रभावकारी भवेत? यही ना है, तो इसका आंसर 4 होगा भाई, 3 इसमें दिखा रहा है। रुकिए हम दिखाते हैं आपको 4 आंसर। चलिए 4 आंसर यहाँ हो गया, क्वेश्चन तो ढक गया लेकिन आंसर देखिए। रुकिए क्वेश्चन देख लीजिए। छात्र पने अभ्यास करते एन कठिन से निवारण, नहीं कठिन नहीं, यहाँ कठिन काटिए इसको, निगेटिव वर्ड है। शिक्षिका से संबंधित तो होगा नहीं क्योंकि इसको काट दीजिए, बाल केंद्रित है तो बालक से होगा। तो अन्याय प्रशासनिक शब्द इवा लघु एवं क्रियाकलाप प्रयोग के लिए उच्चारण करते शब्द और अभिज्ञान करते, यानी आपका यह सी राइट आंसर है। डी भी देखते हैं क्या है डी में, तो डी पठनस्य उच्च वाचन बोलने से नहीं सीखेगा बच्चा, इसलिए राइट सी आंसर आपका हो जाएगा। जो सी टेट में लंबा लिखा हो, बहुत सारा हो, वही ज़्यादा लिखा हुआ ही टैग वर्ड काम आता है आपका। चलिए 148 आ जाइए, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। कौन सा पत्ति व्याकरण नियम के अनुसार ध्यान दिए अनंतर च उदाहरण के लिए है? कौन सा है व्याकरण नियम के अनुसार कौन सा है? तो व्याकरण क्या बताता है? नियम। तो आपको व्याकरण के साथ नियम को लगा देना होगा, यानी निगमात्मक विधि। क्या होगा? निगमन विधि, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप आ जाइए 149 में। विद्यार्थी भाषा या अधिग्रहण के लिए कौन सा भाषा बेस्ट है? तो अधिग्रहण के लिए सबसे जो होगा वह यहाँ देखिए सजीव का, ये इसमें तो है नहीं। सविनिमय वातावरण से बच्चा बहुत अच्छा और सीखता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। भाषाय संरचना के माध्यम विश्लेषण बच्चा नहीं करेगा, साहित्य के माध्यम से नहीं, कविता के माध्यम से सीख सकता है, तो कविता पूछा ही नहीं है। इसमें सूक्ष्म मोटर कौशल 150, सूक्ष्म मोटर कौशल के लिए कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है स्किल डेवलपमेंट, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। सुनिए ना।